दूसरी जानब आईपीएल जहां सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ने खिलाड़ियों को पैसे की गंगा में नहलाकर इतना बुजदिल कर दिया है कि जब भारतीय खिलाड़ी एटम बम बनने की कोशिश करते हैं और फटने की कोशिश करते हैं तो वो पैसे के सलाब की वजह से खुश हो जाते हैं। मेरी विनती है कि भारतीय भाइयों से कि मेरे किसी बात को दिल पर ना लें, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सूर्या कुमार यादव है। दोस्तों, रिपोर्ट शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। भले ही पाकिस्तान अपने हर शोबे में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन टीम इंडिया भी अब कोई कम नहीं है, ये कहना है हमारे एक भारतीय पूर्व कप्तान का। मेरा अब इन महा कप्तान से सवाल है कि अरे घंटे का टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा है। सात बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। वेस्ट इंडीज जो टीम जो बच्चों से खेल कर क्वालिफाइड राउंड में भाई बुरी तरह बाहर हो गई थी, आपने सीरीज रखी इस हल्की टीम से और एक तरफ आप तुलना करते हैं पाकिस्तान टीम से, उन्होंने इस टीम से सीरीज रखी जो क्वालिफायर राउंड में सबसे ऊपर थी पॉइंट्स टेबल पर, और फिर घंटे की इंडियन टीम जो मरमरा के पहला मैच वेस्ट इंडीज से जीती, फिर दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने छटासेदार तरीके से आपको दूसरे मैच में नाको चने चबा दिए और दूसरा मैच महा टीम इंडिया हार गई, और इसके बाद बात करते हैं तीसरे मैच की, जिसकी जीत पर आपने देखा होगा कि तमाम स्पोर्ट्स चैनल जो भारतीय स्पोर्ट्स चैनल है उन्होंने कैसे दमाले डाल डाल कर जश्न मनाया कि हमारी टीम इंडिया वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत की, फतह हासिल कर ली। भाई अगर आपने तैयारी करनी थी, आपका पहले एशिया कप है, आप बांग्लादेश से सीरीज रखते या अफगानिस्तान से सीरीज रखते, क्योंकि पहले एशिया कप है और अफगानिस्तान भी अब हल्की टीम नहीं रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने तुर्क का पत्ता बड़ी सोच समझ कर फेंक रहा है। पहले उन्होंने श्रीलंका से मैच कैंसिल किए, लेकिन जैसे ही एशिया कप फाइनल हुआ पाकिस्तान ने सीधा श्रीलंका में छलांग लगा दी, और इन कंडीशन से ऐसे अहंग हुए के जैसे वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका जो क्वालिफाइड टीम में सबसे पहले नंबर पे थी यानी टॉप पे थी, टेस्ट में ऐसे दपोचा जैसे शहीन शाम को दपोचता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि शहीन ने इस बार शाम को नहीं श्रीलंकन टागर को दबोचा है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीयों अब भी समझ जाओ, ऐसे ना तुलना करो पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि अब बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। फर्क क्या है वो भी आपको बता दें कि फर्क पाकिस्तानी पीएसएल जहां 100% रियल जोश जज्बे से खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं और कुंदन बनकर बाहर निकलते हैं, और दूसरी जानब आईपीएल जहां सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ने खिलाड़ियों को पैसों की गंगा में ऐसे नहलाकर इतना बुजदिल कर दिया है कि जब भारतीय खिलाड़ी बम बनकर फटने की कोशिश करते हैं तो वो पैसे के सलाब की वजह से खुश हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? मेरी विनती है भारतीय भाइयों से कि मेरी किसी बात को दिल पर ना लें। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपका सूर्या कुमार यादव है, यानी के सकाए।